आदिवासी समाज की गौरव साहस का चिन्ह गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती है, उन्हें मेरा सच्चा नमन। जय जोहार। लोकनायक तंटिया मामा जी की जय। जय भीम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हमुआखा एक छे। आदिवासी नायक भीमा नायक जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी, बादल होई जी की विरासत को नमन। माही माता की कृपा से, कालका माता की कृपा से, अमका झमका माता की कृपा से आज मैं यहां आपके बीच आई हूं। यहीं पास में अमका झमका के दरबार में भगवान कृष्ण ने मां रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई थी। यहां मोहन खेड़ा का श्वेतांबर जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहां देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा भक्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्रनायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से में कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है। पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है, आपका जीवन क्या है, आपके संघर्ष क्या हैं? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में, बताइए? 10 गुना पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए, अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है।
और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। राज्य भर में आज पटवारी एक महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं, आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं खेती में, काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो किस लिए करते हैं? मेरी बहनें, आप घर पे मेहनत करती हो, सारा घर परिवार संभालती हो, किस लिए करती हो? अपने बच्चों की परवरिश के लिए करती हो ना, अपने बच्चों की के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमसे कुछ ज्यादा ही करें। अगर हम खेती करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी और हमारे से बड़ी ज्यादा नौकरी होगी। अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं, हम सोचते हैं चलो इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमसे भी ज्यादा कमाएं, हम बूढ़े होंगे हमारी देखभाल करें। यही हमारा मकसद होता है। चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है थोड़ा बहुत, उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है। लेकिन यहां तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए, जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले, जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं है। तो अगर पैसे नहीं है तो
तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं बुरे होंगे, और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। देखिए, देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है, जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की? देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार 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 उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं, एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया, दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली, इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे, जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक कोई लगाम नहीं है। आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली, विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली, पूरे प्रदेश की CHC में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े PSU इन्होंने बेच दिए, छोटे छोटे उद्योग पे GST थोप कर, नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। GST भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या GST है, उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद, तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। बट ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ, आप सबको तो पहले ही मालूम है, जी आप रहे हैं,
संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, उन इंटरव्यूज के लिए, ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इंदौर संभाग के हैं, आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहां कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है कि नहीं बनी, कोई नया अस्पताल बना, कोई मेडिकल कॉलेज खोला, तो क्या कर रहे हैं ये? देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह वाह हुई पूरे देश भर में, जितने भी विपक्षी दल हैं हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई टीवी पे, इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह वाह हुई, फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसीमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है इन चुनाव के लिए? फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि ओबीसी, दलित और जनजाति संख्या कितनी है इनकी? 84% प्रदेश में। तो बताइए बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है या जहां सबसे ज्यादा सत्ता होती है, उन पदों में क्या 84% इन जातियों के लोग हैं कि नहीं? बताइए, होने चाहिए कि नहीं? तो जब ये बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे और जोड़ तोड़ करके 1.5 साल के अंदर अंदर आपको भाजपा की सरकार मिली, मिली कि नहीं मिली? और नतीजा आप सबने देखा। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये। आदिवासियों के लिए 12000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहां मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है।
पुराना पेंशन कहाँ लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है, बहनों के लिए 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, बहनों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की, आपको मुआवजा नहीं मिला जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई। हिमाचल प्रदेश में आपदा है, सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों हमने बात की कि यहाँ स्थिति क्या है अस्पतालों की, डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहाँ कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है, आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई, बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं, ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए, जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं, और यहां पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों, और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी।